नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स और हमारा खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। आज हम लोग एक ऐसे गांव में आए हैं और इस गांव में आने के बाद हमने देखा कि एक पेड़ पे किस तरह से चढ़ कर देखिए कि यहाँ पे तारी उतारा जा रहा है। एक खजूर का पेड़ है और यहाँ के ग्रामीण जो है तारी उतार रहे हैं। ऐसे तो बिहार में बात कर ले कि ये लोकल शराब है, ऐसे बात कर ले कि बिहार में शराब बंदी है और ये किस प्रकार से शराब उतार रहे हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे यहाँ पे क्या लग रहा है, ये शराब है या फिर ये क्या है, शरबत है क्या है। नहीं, ये तो है, हम लोग के लिए जूस है। हाँ, नीड है, ये हम लोग उतरवाते हैं। हाँ, हम लोग पीते हैं और ये पेट में बहुत सा ही बीमारी का दूर करती है। ये है हमारा, हम लोग अपने खुद लगवाते हैं यहाँ और हम लोग इसको जूस को मजा लेते हैं, यही बात है विशेष। कैसे बिक जाता है? 20 रुपये। 20 रुपये कितना उतार लेते हैं? 25 बोतल 30 बोतल इतना होता है। 25 बोतल 30 बोतल उतर जाता है। देखिए यहाँ पे पेड़ से उतर रहे हैं, यहाँ पे यानी कि कह सकते हैं तार के, खजूर के पेड़ पे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन लोगों का ये रोजगार है। कह सकते हैं गांव में अगर ये तार का, खजूर का पेड़ है तो एक तरह से रोजगार है, यानी कि ये लोग मेहनत करते हैं और उस पर चढ़ कर किस प्रकार से काम करते हैं, हम बात करते हैं। क्या है भैया, क्या उतारे हैं? इसमें नीरा है, शरबत, शराब इसको कहते हैं, देसी शराब है क्या? नहीं, इसमें दम शराब नहीं है, शरबत है, जूस है। हाँ, जूस है। कैसे जूस कर रहे हैं, मतलब इसको पिया जाता है? हाँ, इसको छान के पिया जाता है, इससे पेट में जॉन्डिस में सब ठीक होता है। कहा जाता है कि शराब लोकल शराब है? नहीं, लोकल शराब बिल्कुल नहीं है, चीनी का रस है। हाँ, गन्ने जैसा जूस होता है। हाँ, यही है। कैसे उतारते हैं? कैसे उतारते हैं, चढ़ के उतारते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, इतना बड़ा पेड़ पे। हाँ, दिक्कत नहीं होता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ सीखना है, सीखते हैं चढ़ने के लिए? पेड़ चढ़ने के लिए इसको समय दिया जाता है, सीखना पड़ता है, सोचे इसे थोड़ी ना उतर जाता है। कितना उतार लेते हैं दिन भर में? दिन भर में जितना मेहनत कीजिएगा उतना उतरेगा। फिर भी कितना? 10-20 बोतल उतर जाता है। कितना का रोजगार हो जाता होगा? 200-300 हो जाता है। 200-300 हो जाता है। और ये पेड़ जो है यानी कि आप लोग का खुद का होता है या फिर खरीद किसी से लेते हैं? अपना खरीद के तब करते हैं। कैसे खरीदते हैं? दे देते हैं 200-400 रुपया दे देते हैं, उसके बाद लगाते रहते हैं महीना पे। हाँ, साल में, एक साल में, साल में यानी 200-400 रुपया दे देते हैं, उसका ले लेते हैं। एक दिन में कितना पेड़ चढ़ लेते हैं तारिया खजूर का? एक दिन में 10-15 को चढ़ते हैं। मेहनत तो लगता ही होगा? मेहनत तो बिल्कुल लगता है, 15 दिन समय लगता है उसको मेहनत करके, उसके बाद उसमें तारी निकलता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय राम। कौन गाँव है ये? बिंदा। बिंदा, इस बार चुनाव में हम लोग आए हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, किस किस सरकार इस बार बननी चाहिए? इस बार तो लालू बनेगा भाई। लालू? हाँ, तेजस्वी यादव। क्या लालू फ्री तारीफ फ्री करवाए इसलिए क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, इसे कोई तरीका से काम जो होता है इसके माध्यम से लालू जी का भी फिलहाल में चलना चाहिए, क्योंकि उस तरह ढंग से इनको कोई अथि नहीं है, इसलिए बाढ़ आ जाता है तब उसमें माटी भराता है, उससे पहले कोई सोच नहीं है सरकार को, जहाँ बांध टूटेगा क्या होगा, तो इसलिए जनता को सब अपना सोच समझ के ना बोलेगा। हाँ, वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं है थोड़ा सा? नहीं नहीं, बात गलत। विधायक जो आपके यहाँ है उनका तो नाम ही नहीं लीजिए, उसको तो भूल जाइए आप, बिल्कुल नहीं अब होगा। करी सर, हमसे बुलवा लिया जाए। किसको देंगे इस बार, किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? ये सर, कहने की बात है जो ये गरीब यहाँ का ये खजूर तार चढ़ करके 300-400 रुपया कमा लेते हैं। हमारे बगल में एक लड़की का शादी था, वो लड़की का शादी का जिस बच्ची को शादी हुआ उनका बाप एक बोतल ये जूस पीने गया, उसको पुलिस वाले ने उठा कर ले गए। लड़की का बिदागरी नहीं हुआ था लेकिन पुलिस वाले ने उनको उठा कर ले गए, ये जूस ये तारी तुम क्यों पी रहा है, उनको ले गए उठाकर, उनको पैसा लेकर थाना वाले छोड़ दिए। उनका बच्ची का बिदागरी जब तक नहीं हुआ जब तक उन छूटे नहीं। यही सर है, हम इससे ज़्यादा कहेंगे नहीं, बच गए इलेक्शन की बात जहाँ तक है, जो गरीब का जो बुझाएगा वो करेंगे, हम इससे ज़्यादा बोलेंगे। ये शराब है, कहा जाता है कि लोकल शराब है, गांव के देसी शराब है। आपको देखा गया जो जूस पेड़ से उतारा जाता है और पिया जा रहा है, आपको सामने है, नहीं तो आपको गिलास से दिखाया जाएगा जो हम लोग कैसे पीते हैं। कैसे दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, हमें भी दिखाइए, देखना चाहेंगे किस प्रकार से। ये इनका देख लीजिए, ये पूरा तारी का ये पूरा अड्डा है, देखेंगे आप। और यहाँ पे ये लोग पूरा बोतल रखे हुए हैं और बोतल से देखिए कि ये गैलन है, गैलन में तारी भरा हुआ, तारी को छान कर किस प्रकार से दिया जाता है। ये आपका जूस है,
इसमें मधुमक्खी सब आता होगा, यानी कि जो तार पे चढ़ता होगा तो छान को दिया जाता है, छान को पिया जाता है। छान को पिया जाता है। क्या नाम हुआ? नथुनी माँ। वृद्धा पेंशन से मिलता है? जी सर मिल रहा है। मिल रहा है जी, कोई दिक्कत। उसी के पैसे से तारी पीते हैं क्या? जी उसी। अब नहीं बनता है, ये देखिए मेरा बदन यहाँ तक कि एक गिलास जब पी लेते हैं जूस, दो गिलास ठीक रहा। ये नहीं पीते तो ठीक नहीं रहता है। जी बन गया है रात पीने के बाद एकदम फुर्ती आ जाता पीने के बाद सब कुछ। तो ये देख सकते हैं कि हम बिंदा गांव में आए हुए हैं। बोचा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और इस गांव में किस प्रकार से देखेंगे कि ताप खजूर का जो पेड़ था उस पर से तारी उतारा गया है और एक व्यक्ति ने किस प्रकार से तारी पिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गांव के लेकर ये रोजगार है, गांव के लोग इस पे पेड़ पे चढ़ते हैं और 300-400 रुपया का रोजगार करते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें बिहार टाइम्स के साथ। We'll be right back.